पीछे 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 होगा आपका स्वागत करते हैं हम आपकी जोरदार तालियों के साथ। सर से निवेदन है एक बुके उसका थीम है आजादी का अमृत महोत्सव। इसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्योरी के अंदर एक दो दिन का प्रोग्राम रखा है। इसके तहत जो है ये बच्चों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही साथ एक एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है जो भारत का जो हमारा गोल्डन इतिहास है हमारा जो उसके बारे में उन्होंने बताया। 1757 से बैटल ऑफ प्लासी से लेकर पूरा इंडिपेंडेंस तक पूरा एक सफ़र वो जो है वो इन्होंने दर्शाया उस एग्जीबिशन के साथ साथ। साथ में इनका जो एक मेन मकसद है कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे हमारे उनमें तो हम सब लोगों को याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं कुछ ऐसे नाम हैं जो लोग जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा था लेकिन हम उनकी जो उनकी बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने उस प्रदर्शनी में बताया है और अपनी बातों से लोगों को बता रहे हैं। तो उन लोगों का जिनके हम कंट्रीब्यूशन को इतनी महत्वता नहीं देते हैं या जितने उनको याद नहीं करते हैं उन लोगों की कंट्रीब्यूशन के लिए भी इन्होंने एक एग्जीबिशन को लगाया है। मैं इनको पूरी कंग्रेचुलेशन देता हूँ कि बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया और पार्टिसिपेशन लेवल बहुत हाई है जो हमारे टारगेट जिस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं यंग यूथ जो है हमारे 11th 12th के बच्चे और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पूरे बच्चों ने ये सीट्स भरी हुई हैं तो इनका प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम मैं मानूंगा उसे। तो मैं पूरा इनको कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ ये लीगल ऑफिसर राजौरी एक मोमेंट हमारे दूसरे रिसर्च पर्सन जो बाद में बोलेंगे जो बाकी लोग हैं उनके जरिए आप जो स्कीमें हैं वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं और कहीं पे अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो उसकी बात भी जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं। और नरेगा का आपने देखा होगा